डरने की कोई बात नहीं, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। इस वक्त आप कोरोना के साथ साथ यास तूफान के संभावित चपेट में हैं, लेकिन इस बाबत भागलपुर के डीएम सुव्रत कुमार सेन भी अपने सहयोगी अधिकारियों और एसडीआरएफ टीम के साथ अलर्ट मोड में हैं। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम प्रशासन, सड़क विभाग और बिजली विभाग समेत अन्य विभागों के कर्मियों को डीएम ने संभावित यास तूफान के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर रखा है। जबकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर आर के सोहाने ने संपूर्ण बिहार के किसानों समेत आम लोगों को आगाह और सतर्क किया है। कहा है कि यास तूफान में आप खुद को सुरक्षित रखें और अपने खेत खलिहान समेत फसल की सुरक्षा भी करें। क्या कहा भागलपुर के जिला अधिकारी और सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने, आइए जानते हैं, देखते हैं, देखिए इस रिपोर्ट से। प्रोटोकॉल बाढ़ प्रबंधन को लेकर के होता है, उस हिसाब से हम लोगों की तैयारी पहले से भी चल रही है और हम लोगों ने सब लोगों को अलर्ट भी किया, क्योंकि इसमें तेज गति से हवा भी चल सकती है और 27 तारीख के बाद इसका प्रभाव 27 तारीख से ही देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से एक तो जो भी शहरी इलाके हैं, खासकर के भागलपुर नगर निगम का क्षेत्र, तो वहाँ नगर आयुक्त को बोला गया है कि पानी जमाव की स्थिति में तुरंत ही उसकी निकासी हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए और बिजली के जो भी कार्यपालक अभियंता है तीनों डिवीज़न के, कहलगांव, नगछिया और जो शहरी क्षेत्र है, उनको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि बिजली की आपूर्ति जो है कम से कम प्रभावित हो, क्योंकि तेज़ हवाएं चलेंगी तो निश्चित रूप से कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। उसके लिए उन्होंने टीम बना लिया है और अस्पतालों को भी अल्टरनेट व्यवस्था करने के लिए, जहाँ कोविड एवं अन्य मरीजों का इलाज चल रहा है, तो वहाँ भी उनको भी हम लोगों ने अलर्ट किया है कि वहाँ अतिरिक्त व्यवस्था वो रखें कि अगर कुछ घंटे के लिए शटडाउन होता है, अगर मान लीजिए तार पर पेड़ गिर जाता है या अन्य कोई बाधा आ जाती है, तो उस समय में बिजली के कारण कोई अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, तो उनको भी हम लोगों ने अलर्ट किया है। एसडीआरएफ की टीम हम लोगों के पास है और हमारे जो भी पदाधिकारी कर्मी हैं नीचे ब्लॉक अंचल स्तर पर, सभी को इस अलर्ट के संबंध में जानकारी दे दी गई है। किसी भी तरह की अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे। लोगों के लिए सर क्या है? लोगों से यही है कि देखिए, अभी जो बिहार के जिलों के लिए सूचना आ रही है उसमें यही है कि तेज़ हवाएं चल सकती हैं, बारिश भी अच्छी हो सकती है, मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। तो लोगों से भी अपील रही है, ऐसे भी कोविड का टाइम है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो लोग घरों में ही रहें, बहुत आवश्यकता हो तभी घर से निकले। और हम लोगों का जो कंट्रोल रूम का नंबर है, जो DOC जो हम लोगों का 24 घंटे चल रहा है, कहीं कोई समस्या हो तो उस पर या हम लोगों के मोबाइल पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। किसी तरह की कोई सहायता लेनी हो तो वो भी आप लोग कॉल करके उस पर सहायता प्राप्त कर सकते। मौसम विज्ञान के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार एक गहरा दबाव जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था यास नामक चक्रवाती तूफान के में तीव्र हो गया है और 25 मई से इसके बारिश की शुरुआत भी हो गई है। इसका जो आउटपुट है आने वाले दिन में बड़ा तेज़ी से बढ़ेगा। चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार के सभी 38 जिलों में भी राज्य सरकार के द्वारा मौसम विभाग की अनुशंसा के आलोक में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में चक्रवाती तूफान यास का प्रभाव पूरे प्रदेश में 27 मई से 30 मई के बीच गरज के साथ छींटे, बिजली, तेज हवा और मध्यम बारिश के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 25 और 26 को भी कहीं ना कहीं मौसम में बारिश होने की संभावना है और आज सुबह से बिहार में बारिश शुरू हो गई है और 27 एवं 28 मई को तीव्र आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इस परिस्थिति में हम लोग किसान भाइयों से और जो हमारे बिहारवासी हैं उनसे विश्वविद्यालय के लोग की तरफ से अपील है कि वो आवास में ऊपरी तलों की अपेक्षा भूतल पर रहें, रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें, पुराने और क्षतिग्रस्त भवनों और पेड़ों के नज़दीक आश्रय लेने से बचें, बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे न खड़े हों, खंभों के गिरने से शारीरिक क्षति हो सकती है, घर के बाहर होने पर किसी छतदार मकान में आश्रय लें और ये भी सलाह दी जाती है कि
यदि घर में ही है तो पानी का तल, फ्रिज, टेलीफोन आदि को ना छुएं। पैदल जा रहे हों तो धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग ना करें। खुले आकाश में रहने को बाध हों तो नीचे के स्थल को चुनें। एक साथ कई आदमी इकट्ठे ना हों, दो लोगों के बीच की दूरी कम से कम 15 फीट हो। किसान भाइयों को ये भी सलाह दी जाती है कि अभी मूंग की फसल लगी हुई है, उसमें अगर जल जमाव होने की आशंका होगी इस चक्रवाती तूफान से, तो जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही किसान भाइयों की अगर कोई ऐसी फसल जो पक के तैयार हो गई है, विशेषकर मक्का वगैरह की, तो अभी उसका कटाई न करने की सलाह दी जाती है। और तीसरा, अभी किसी भी तरह की सब्जी या फसलों में कीटनाशी ऊपर निवेशन जो हम खादों का करते हैं उनको नहीं करने की सलाह दी जाती है। अत्यधिक बिजली चमकने की संभावना है, इसलिए किसान विशेष सतर्कता बरतें और खुले स्थानों पर ना जाएं। और मुझे विश्वास है कि ये चक्रवाती तूफान जो हमारा यास, जिसको बिहार में आने की संभावना है और 26 से 30 तक थोड़ा सा सेंसिटिव है, इस बीच में सभी लोग सुरक्षित रहें, यही